हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लर्निंग टाइम में। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंडों के साथ जो कि सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई क्वारी है, कोई कमेंट है या कोई आपको कुछ पूछना चाहते हैं तो कोई सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करें। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब माई चैनल लर्निंग टाइम। थैंक यू फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में। साइज ऑफ ऑपरेटर किसे कहते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर का सी लैंग्वेज में क्या काम है, तो उसके सिंटैक्स क्या है, उन सब के बारे में आज बात करें फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हमारा साइज ऑफ ऑपरेटर एक फंक्शन की तरह दिखता है, ठीक है। हमारा जो फंक्शन होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, दो पैरेंथेसिस लगे रहते हैं किसी भी टेक्स्ट में, ठीक है। तो इस तरीके से कोई हमारा फंक्शन रहता है, पर ये हमारा क्या है फ्रेंड्स, ये एक ऑपरेटर है, एक अपवाद है, ये हमारा एक ऑपरेटर है। तो ये जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है फ्रेंड्स, ये साइज ऑफ यानी किसी भी एक आप डाटा टाइप लेंगे उसका ये साइज का बताया, तो कितना साइज है उसका एग्जैक्ट साइज आपको बताने के लिए हम इसका काम करते हैं, ठीक है, इसका प्रयोग करेंगे। तो उसके सिंटैक्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो मैं फ्रेंड्स आपको बताया था, ये फंक्शन की तरह दिखता है, फिर से एक बार रिपीट, फंक्शन की तरह दिखता है, पर ये हमारा क्या होता है, एक ऑपरेटर होता है, जो कि हमारा एक किसी भी डाटा टाइप हम लेंगे, ठीक है, उसका ये साइज रिटर्न करके हमको बताता है इसका साइज क्या है, ठीक है। तो हम किसी भी डाटा टाइप का साइज जानने के लिए हम इसका साइज ऑफ फंक्शन का, साइज ऑफ ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। हमारा कुछ इस तरीके से इसका सिंटेक्स रहता है, एक ही कोई भी पैरामीटर रहेगा, चाहे वो आप वेरिएबल दे सकते हैं या आप डाटा टाइप लिख सकते हैं या फिर कोई भी कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं, डायरेक्ट उसका वो क्या कर देगा, साइज आपको रिटर्न कर देगा। तो साइज जब वो रिटर्न करता है, वो इंटीजर टाइप की वैल्यू को रिटर्न करता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इस तरीके से इसका सिंटेक्स रहता है, इनमें से एक भी चीज का अब्यूज करेंगे तो वो उसका साइज बता देगा, ठीक है। तो ये हमारा जो रिटर्न करता है, आप चाहें तो डायरेक्ट इसको प्रिंट करा सकते हैं, वो मैं आपको प्रोग्राम में बता दूंगा। इस तरीके से हमारा कुछ सिंटेक्स रहता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए अब आगे आते हैं हम प्रोग्राम में। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसको प्रोग्राम में भी लिख सकते हैं, प्रिंट लिखा डायरेक्ट ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा ये किस टाइप की वैल्यू है हमारी, इंटीजर। तो जो इंटीजर का साइज होगा वो उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो हमारा इंटीजर का साइज है 2 बाइट, तो हमारे क्या प्रिंट हो जाएगा, 2 बाइट। ये हमारे ये क्या है, करेक्टर टाइप का, तो कॉन्स्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। जो भी वैल्यू हम प्रिंट कर रहे हैं कॉन्स्टेंट की कर रहे हैं, तो किस तरीके से प्रिंट करेगा, इसका साइज हमें प्रिंट कर देगा, जो भी आप डाटा टाइप है उस डाटा टाइप का ये साइज को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये क्या है, करेक्टर है, तो समझ करेक्टर का साइज क्या होता है, 1 बाइट, तो ये 1 बाइट प्रिंट कर देगा, ठीक है। ये फ्लोट वैल्यू, तो फ्लोट का आपका जो भी होगा फ्लोट का साइज उसके अनुसार 4 बाइट, ठीक है, या फिर डबल भी जो भी मानेगा ये उसके अनुसार ये प्रिंट कर देगा, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे इस तरीके से जो भी हमारा डाटा टाइप रहेगा उसकी कॉन्स्टेंट वैल्यू को भी लेंगे तो उसके साइज को तरीके से आप प्रिंट करा सकते, ठीक है, ठीक है प्रिंट, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, आप चाहें तो इस तरीके से भी यहाँ पे हम सीधे डाटा टाइप को लिखकर, जिस टाइप हम डाटा टाइप देना चाहते हैं डाटा टाइप को हम सीधे लिखकर भी उसके साइज को प्रिंट करा सकते, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इंट लिखूंगा, तो इंट को लिखने से भी उसका क्या करेगा फ्रेंड, इंट डाटा टाइप का क्या करेगा, साइज को प्रिंट कर देगा। कैर लिखूंगा तो कैर का कर देगा, फ्लोट लिखूंगा तो फ्लोट का, ठीक है। आप डबल जो भी लिखना चाहें उसके साइज को आप प्रिंट करा सके इस तरीके से भी, ठीक है फ्रेंड्स। एक ये तरीका हमारा हो गया। अब देखते हैं वेरिएबल का, देख लेते हैं वेरिएबल का भी देख लेते हैं, ठीक है। वो भी आपको समझ नहीं आएगा, पर भी मैं एक बार आपको वेरिएबल का भी बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से अगर मैं कोई वेरिएबल क्रिएट करता हूँ इंटीजर टाइप का, उसमें वैल्यू भी असाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करेगा फ्रेंड्स, ये वेरिएबल का इस साइज को, वेरिएबल का जो जिस टाइप का वेरिएबल हो उस टाइप के वेरिएबल की हमें साइज का पता चल जाए, ठीक है। तो हमारा इंटीजर वेरिएबल है तो उसका साइज 2 बाइट होगा, कैरेक्टर टाइप का तो 1 बाइट होगा, और हमारा फ्लोट टाइप का तो 4 बाइट, ठीक है। इस तरीके से हम भी साइज का और पता लगा सकते, इस तरीके से भी, इस तरीके से, तो किसी भी तरीके से हम इसका साइज लगा रहे थे। थोड़े और तरीके हैं, उनके बारे में और जान लेते हैं, किस तरीके से हम एरे और पॉइंटर के साइज को पता करते हैं, थोड़ा इनके बारे में थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ फ्रेंड्स, जिससे आपको और आसानी हो जाएगी साइज ऑफ ऑपरेटर के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, एक हम छोटे से प्रोग्राम के द्वारा समझेंगे और अच्छे से कोशिश करते हैं। देखिए, ठीक है, मैंने एक प्रोग्राम बनाया, देखिए उसमें मैंने कुछ वेरिएबल ही बनाए हैं, इंटीजर टाइप का एक्स और ए, एक एरे बनाई है 3 साइज की, और एक मैंने करेक्टेड टाइप का एक स्ट्रिंग बनाई है, ठीक है, इसका 20 साइज दिया, फ्लोट है, डबल है, ठीक है, इस तरीके से हमने लिखा है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक पॉइंटर वेरिएबल भी क्रिएट करा है यहाँ पर, अब इन सबके हम साइज को जानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अगर पॉइंटर को इस तरीके से लिखा तो क्या साइज आता है वो हम जानेंगे, इस तरीके से लिखा है हमने एरे को तो क्या साइज आता है वो जानेंगे, इस तरीके से लिखा है तो क्या साइज आता है वो जानेंगे, ठीक है। देखिए, अगर मैं इस तरीके से लिखता हूँ फ्रेंड्स, तो ये हमारे पॉइंटर है, पॉइंटर कौन सा वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का है,
ठीक है, इंटीजर टाइप है तो इंटीजर का क्या साइज रहता हमारा, दो दो बाइट रहता, तो ये हमारा कितने बाइट रिटर्न करेगा, क्योंकि ये पॉइंटर टाइप का है, अगर आप करेक्टर टाइप का पॉइंटर लेते तो वो करेक्टर टाइप के हिसाब से साइज रिटर्न करता, क्योंकि ये इंटीजर है तो इंटीजर के हिसाब से उस साइज को रिटर्न करेगा, ठीक है। तो उसका दो बाइट आएगा, करेक्टर लेते तो वन बाइट आता, ठीक है, फ्लोट लेते तो चार बाइट, तो जिस तरह का डाटा टाइप का पॉइंटर है उसी के टाइप के साइज के अनुसार उसका आपका साइज रिटर्न करेगा। यहाँ पे देखेंगे साइज ऑफ, यहाँ पे मैंने लिया है, ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारा इसका साइज आएगा फ्रेंड दो बाइट। ऐसा क्यों, देखिए ये किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, ए थ्री, यानी ए वाले के थ्री बॉक्स को इंडिकेट कर रहा है, तो एक 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 पार्ट है ना, तो ये इस बॉक्स का दो बाइट हुआ, ठीक है, हमारे इंटीजर के कितने पार्ट है, तीन, वन टू थ्री, तो इस वाले पार्ट की बात कर रहा है, तो इस वाले पार्ट की बात कर रहा है, तो उसका साइज क्या होगा फ्रेंड दो बाइट, ठीक है। तो इस चीज से ध्यान रखिए, क्योंकि हम जब भी इसको प्रिंट कराते हैं तो हमारी क्या वैल्यू, एक ही वैल्यू प्रिंट होती है, ठीक है, तो इसलिए क्या होगा दो बाइट को प्रिंट करेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम आए तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैंने अगर ये लिखा तो यहाँ पे क्या होगा, ये छह बाइट प्रिंट करेगा, वो कैसे, क्योंकि ये ए लोकेट कर रहा है हमारे पूरे इसको, हमारे एरे को, ठीक है, पूरी एरे को, इसमें बेस एड्रेस है, ठीक है, तो जो एड्रेस होने की वजह से ये पूरे को आपको पूरा जितने एरे है उसके साइज के अनुसार को वो प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पे उसकी सिक्स बाइट आएगी, ठीक है, यहाँ पर सिंगल बॉक्स को इंडिकेट कर रहा था, यहाँ पे पूरा एड्रेस है, ठीक है, तो पूरे एरे को इंडिकेट करता है, तो इसलिए इसका क्या साइज आएगा सिक्स बाइट, ठीक है। तो ये चीज आपकी समझने की है, यहाँ पे स्ट्रिंग मैंने एनएम दिया, तो ये सेम इसी तरीके से सेम, तो ये क्या प्रिंट करेगा हमारा, हमारा पूरी जो स्ट्रिंग का साइज है उसको 20 बाइट प्रिंट करेगा, ठीक है, इस तरीके से। अगर मैंने अब इस तरीके से वैल्यू लिखा तो ये आपको डबल वैल्यू का के बराबर के साइज को प्रिंट कर देगा, ठीक है, ये 8 बाइट देगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, ये किस तरीके से हमारा एरे वर्क करता है साइज ऑफ ऑपरेटर में। तो आप किसी भी तरीके से, मैंने आपको बता चुका हूं, तो आपको साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज करके किसी भी डाटा टाइप का आप साइज निकाल सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, इसका एक बार आउटपुट देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ आए। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले दो बाइट आया, ठीक है, मैंने पॉइंटर यूज किया था, पॉइंटर वेरिएबल, फिर एक एरे का मैंने ए लिया था, ए थ्री वाला लिया उसका, फिर एरे का पूरे साइज, फिर करेक्टर स्ट्रिंग का एनएम दिया था, फिर जो हमने कांस्टेंट वैल्यू डाली थी वो फ्लोट में 8 बाइट दिया था, ठीक है, डबल में आया था, ठीक है, डबल के साइज के बराबर आया था। तो इस तरीके से हमारा वर्क करता है, ठीक है फ्रेंड्स।